नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार, इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 30 सितंबर है, 67th बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्जाम हुआ है। दोस्तों, इसमें जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है उसकी चर्चा करूंगा। टोटल 34 क्वेश्चन है और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि जो लोग मेरी रात वाला सेशन देखे थे, दो रात आपको लेके आए थे, याद कीजिए, पूरी रात मैं खड़ा होके जग के आपको मैंने पढ़ाया था। अगर उस दो रात को अपने दिल से जिया होगा तो मैं दावे के साथ में डंके की चोट पे कह सकता हूं 32-34 में 32 से 31 नहीं हुआ होगा। बाकी आपकी इच्छा, हो सकता है आपको लगे छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन रियलिटी यही है। वीडियो रखा हुआ है, आप जाके जब चाहें आप ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय न व्यतीत करते हुए एक एक क्वेश्चन की चर्चा करते जाते हैं और जो ये आंसर मैं दे रहा हूं यही आयोग का आंसर होगा। अगर इतना है और ये ऑप्शन आपने क्लिक किया है तो फिर क्लियर है कि आपका हो रहा है। इसके साथ साथ में हम आपको जो है दे देंगे कट ऑफ की, कट ऑफ कितना गया है। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन की। चलिए पहला क्वेश्चन जो है, रोमन सम्राट से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था। मैं सही सही आपको आंसर बताते हुए चलता हूं, क्लियर है। इसका चेर भी होगा और दूसरा ऑप्शन जो है ये कुषाण, दोनों से संबंध था। ध्यान रखिएगा, रोमन सम्राट से व्यापारिक संबंध चेर से भी था, कुषाण से भी था। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर ई होगा। बाकी आपको जो सोचना है आप सोचते रहिए, यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुस्लिम शासक जिसका समाज दाऊद उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिस ने 1229 में। बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हूं ए टू जेड, इसलिए बीच बीच में बोलने की मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मेरे नोट्स आए, मैंने पढ़ाया था वो, बाकी ये खुद ही आप रियलाइज कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने नया धर्म चलाने के लिए कोशिश किया था। और नया धर्म जब चलाने लगा था तो उनके गुरु ही ने बताया था कि धर्म चलाना आपका काम नहीं है बल्कि पैगंबर का काम है, याद कीजिए, मैंने क्लास में भी आपको बताया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मिलाते जाइए, यही सही आंसर है, आप मुझ पर बिलीव कर सकते हैं। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था, कई बार क्वेश्चन बताया हूं, कई बार, और मैंने, याद कीजिए, मैं अपने अपने रियलिटी बताता हूं, मैंने बोल दिया था बलबन से, पिछले बार तो पूछ चुका है, इस बार फिर से संभावना बनती या तो बलबन और नहीं तो फिर इल्तुतमिश निश्चित आएगा। और आ गया क्वेश्चन, और तुगरिल खान जो विद्रोह किया था वो बंगाल में किया था 1279 में, ध्यान रखिएगा 1279 में बंगाल में विद्रोह किया था, और ये टाइमिंग जो चल रहा है वो बलबन का चल रहा है, तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, बलबन। इसी के टाइम में एक विद्रोह हुआ था, महाविद्रोह जो हुआ था वो तुगरिल खान के टाइम में ही हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, देखिए सर्वप्रथम यहां लगा हुआ, अगर सर्वप्रथम नहीं होता तो इसका आंसर आता ई, क्योंकि औरंगजेब ने भी किया था और बहादुर शाह जफर भी किया था, लेकिन सर्वप्रथम है तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। ये वही औरंगजेब है जहां 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो यहीं से मध्यकाल समाप्त हो जाता और आधुनिक काल का जन्म हो जाता, क्लियर है ना। आइए छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा समझते हैं। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे, सती प्रथा मैंने बता चुका हूं, दास उन्मूलन प्रथा, ध्यान रखिएगा एलन बड़ो के टाइम में मैं बताया हूं और चीख चीख के बताया हूं, इसलिए मैं चिल्ला के बोल रहा हूं, चीख के बताया हूं, एलन बड़ो के टाइम में 1843 में बताया हूं, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान समाज से हटाने के लिए, यह भी जो है यह विलियम बेंटिक के ही टाइम में हो रहा, और ठगों को संगठित गिरोह का दमन करना यह कर्नल सिलिमेन के टाइम में हुआ था, 1833 में हुआ था। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सही आंसर होगा 1, 3 और 4। अब आते हैं आंसर मिलाते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, देखिए ए है वो सही है, बाकी सबका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। ये आंसर एग्जैक्ट सही है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये मिलाइए तभी आप अकॉर्डिंग बताइएगा कि कितना सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिंध विजित करके उसका अधिग्रहण किया,
क्लियर है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिलीमैन। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सिलीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम जनगणना जो है ऑप्शन नंबर डी 1872 में लॉर्ड मेयो करके बताए थे, याद कीजिए, मैं खुद ही मेयो बना था क्लास में। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? सब क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हैं, 23 मार्च 1931, जिसको शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और अभी हाल में ही 115 साल हो गया, हाल में ही 115 साल, इसलिए भी चर्चा में थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दसवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन है? देखिए पहला दूसरा तो सब पता था, पहला उनको पता होता विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा जो ऑप्शन होगा वो होगा ब्रह्मदत्त, तीसरे सत्याग्रही जो थे वो ब्रह्मदत्त थे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा और मैंने बताया भी हूं सब। चलिए आइए, अच्छा लगता है कि सब कुछ पढ़ाना और क्वेश्चन लड़ जाना, क्योंकि मुझे इतिहास से ही मतलब है, बाकी से कोई किसी भी सब्जेक्ट से मतलब नहीं, हर टीचर का अपने अपने सब्जेक्ट से मतलब होता है। अगर कोई बायोलॉजी पढ़ा रहा तो उनको लगता है मेरा बायोलॉजी वाला क्वेश्चन टकरा जाए, कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा तो चाहता है कि हिस्ट्री वाला क्वेश्चन टकरा जाए, है ना। तो मैं तो हिस्ट्री पढ़ा तो बाकी से मुझे मतलब भी नहीं है, बस हिस्ट्री आपका अच्छा चल जाता, दिल खुश हो जाता, चलो हमने मेहनत किया और मेहनत सफल हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? ये सब सोचने वाली बात है, ऑप्शन देखो और मारो। उषा मेहता, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में भूमिगत हो गई थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा, इनके सहयोगी भी थे, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उषा मेहता। आइए 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अभी तक मॉडर्न का था, कुछ प्राचीन का था, अब आते हैं फिर से एंशियंट में, फिर प्राचीन में, मगध शासक बिंबिसार के चिकित्सक कौन थे? इसका बोलने वाली बात है ऑप्शन नंबर बी जीवक, ध्यान रखिएगा जीवक, जो कि अवंती के राजा चंद्र प्रोदक के इलाज के लिए जीवक को भेजा गया था, याद आ गया ना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बताने वाली बात है, पता ना कितने हजार बार मैंने बोला हो, ऑप्शन नंबर ए इबन बख्तियार खिलजी, यानी बख्तियार खिलजी वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को राख में मिला दिया था। चलिए, और इन्हीं के नाम पे बता भी रहे थे कि बख्तियारपुर जो स्टेशन है पटना डिस्ट्रिक्ट में है, उसका नाम बदलने की थोड़ी सी मतलब सिफारिश चल रही कि इसका नाम बदला जाए। आइए अब मजा आ रहा होगा कि आह वाह सुजीत सर, जो आपने पढ़ाया वही क्वेश्चन फंसाया, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ध्यान रखिएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, बताया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15 नंबर, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सोचने वाली बात है, सिद्धू कानू, 1855 और 1856 के बीच में यह हुआ था संथाल विद्रोह, उस समय डलहौजी का शासन चल रहा था और अगले ही साल 1857 की क्रांति पूरे हिंदुस्तान में धुन मचा दी। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लगता मिस्टेक है लेकिन पता नहीं क्या है, फिर भी आपका ऑप्शन से अगर मैं बताऊं तब मैं सही बता दूंगा आपको। बिहार का चौड़ी विद्रोह, बिहार में कोई चौड़ी विद्रोह नहीं हुआ है, बिहार में चुवार विद्रोह हुआ है, बिहार में चिरो विद्रोह हुआ है, चौड़ा चौड़ी कांड हो सकता है, जबकि यह क्वेश्चन आगे दे चुका है इसलिए यह चौड़ा चौड़ी कांड भी नहीं है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा 1798 ऑप्शन नंबर बी, ये चौड़ी नहीं है बल्कि चुवार विद्रोह है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1798 में हुआ और मैंने क्लास में चीख चीख के बता चुका हूं। खैर चलिए कोई बात नहीं, अगर गलत भी हो जाए तो माफ है, एक दो क्वेश्चन तो हिस्ट्री में माफी है, टोटल 34 है तो 32 में तो कोई कसर ही नहीं तोड़िएगा, धर के रगड़ मारिए, और हिस्ट्री अगर अच्छा चल जाए तो बाकी सब्जेक्ट तो अच्छा हो ही जाता है ना। इसके साथ साथ में दोस्तों आपको बता दूं 6 तारीख से हमारी मेंस की क्लासेस 67 का स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास में बेस्ट और बेटर ऑप्शन इस समय पूरे पटना में एकमात्र संस्था है योर सक्सेस, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेज होती है, डेली टेस्ट होता है और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं आप मेरी संस्था में आइए, नहीं, नेवर, कभी नहीं कहूंगा जब तक है जान, लेकिन मैं एक बार जरूर कहूंगा कि अगर आपका रिजल्ट हो रहा है तो ब्रांडेड संस्था में जाने से पहले
एक बार मेरी संस्था में आइए, बस एक बार, उसके बाद जहां जाकर डूबना है डूब जाइए, पैसा डुबाना है डुबा दीजिए, वक्त को मारना है मार दीजिए, फैल कर जाइए, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बार जरूर मिलने आइए। और नंबर तो वही पुराना वाला जो आप जानते हैं, 9334710148। स्टार्ट जो हो रहा है वो 6 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो 6 अक्टूबर से आप जुड़ सकते हैं हमारी संस्था के साथ में। साथ साथ में ऑप्शन चल रहा है जिसमें सोशियोलॉजी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, LSW है, हिंदी लिटरेचर है, जो आपके पास में ऑप्शन है आप हमारी संस्था से और सब टीचर अपने फील्ड के बेताज बादशाह हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए कई बार न जाने कितनी बार और कितना प्यार से मैंने आपको समझाया हूं, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। मैंने हमेशा बताया कि 1912 में जो है बिहार और उड़ीसा दोनों एक साथ बंगाल से बाहर निकल गया, क्योंकि राजधानी चली गई थी दिल्ली। उसके बाद मैंने बताया था एक बार तो दगा बंगाल ने दिया था बिहार को 1936 में, फिर से उड़ीसा लूट के चला गया, 2000 में झारखंड चला गया था। अब मारिए, लगता है कि गलत होगा, जिसने रात मेरे साथ गुजार लिया दिल से आत्मा से, उसका सवाल ना उठता है कि 33 में 32 भी हो जाए, गारंटी डंके की चोट पे कह सकता हूं। और जिसने सो गया उसका तो मैं भी नहीं हूं। चलिए ऑप्शन नंबर ए 1936। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध महासभा कहां आयोजित हुई थी। कितनी बार बच्चों की तरह चीख चीख के गला फाड़ दिया था, हमने बताया था राजा के शाली के पुत्र वन गया, कहां गया, अकाअक बन गया, तो राजा मतलब राजगृह, ऑप्शन नंबर ए, याद ही होगा। हमारे बच्चे गलत कर ही नहीं सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता जो दिल से जुड़ा हो उसका गलत हो जाए। खैर आप लोग सब जुड़े हुए, सब हमारे ही बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्ति कर ली थी। हमने बताया था कि यह कहानी जो है एक मंडग्रंथ कहानी है, कहीं पर लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन कई इतिहासकार इसको बताते हैं। और ये टाइमिंग चंद्रगुप्त द्वितीय का अगर विक्रमादित्य ऑप्शन दे देता मैं तो मेरे सारे बच्चे सही कर लेते, लेकिन मैं दावे के साथ में कर सकता हूं जो हमारी संस्था से जुड़े हुए थे, जो हमसे पढ़ रहे थे, उनका गलत सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हजार बार मैंने बोल दिया हूं चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए या विक्रमादित्य कहिए, दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसी के टाइम में समुद्रगुप्त का दो पुत्र था, एक रामगुप्त था और दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, जो आगे चल के एक उपाधि धारण किया था जिसका नाम था विक्रमादित्य था। इसीलिए इन्होंने ही शकों को भगाया था, ध्यान रखिएगा, शकों को, रामगुप्त और उन्हीं की पत्नी धुब्र देवी थी, और इनसे लास्ट में क्या किया, अपने बड़े भाई को रामगुप्त को मार दिया था और धुब्र देवी से शादी कर लिया था। तो क्या ये सब क्वेश्चन में दम है, आप बताओ दिल से, हो सकता आपको लगे। हाँ वो लोग तो मुझे कमेंट करेंगे जो पढ़े नहीं, लेकिन जो हमारे साथ कंटिन्यू रह गए वो दिल से कहेंगे एकदम सुजीत सर मजा आ गया, एग्जामिनेशन हॉल में घुसने के बाद और हिस्ट्री क्वेश्चन देखने के बाद वो माहौल पैदा हो गया कि लगा शतक को तो आज इस बार कोई रोक ही नहीं सकता है, और आज विजय दिवस मेरा मनेगा, आज ही का दिन हमारी जिंदगी का दिवाली का दिन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्धन राजवंशों की स्थापना किसने किया। पुष्पभूति, ये गुप्तोत्तर काल में हुआ था और इस वंश का सबसे शक्तिशाली जो था ये हर्षवर्धन था, सवाल ही नहीं उठता आपका गलत हो जाए, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहां क्वेश्चन नहीं है, अब डायरेक्ट जो है आइए लेके चलते हैं 66 नंबर पे। क्या करें, आंख से इतना परेशान है ना, बहुत ज्यादा अंदर से जो है एकदम टूट चुके हैं, लेकिन आप लोग हैं, आप लोग का प्यार है इसलिए पूरी ताकत अंदर रहती है। वारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया। कई बार, पता न जाने कितनी बार, 1928 वारदोली और 1929 पूर्ण स्वराज की मांग, दोनों क्वेश्चन पूछा गया, सोचो क्या मजा आया होगा, एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे होंगे तो लगा होगा सुजीत सर एकदम फतह, कोई नहीं हो सकता जो रोक के दिखा दे। और ये टाइमिंग जो चल रहा है वो देखिए, ये नेतृत्व जो बारदोली सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था, ये नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी के पास में था, लेकिन महात्मा गांधी जी जो है इनको उठा के वल्लभ भाई पटेल को दे दिए। और जब ये आंदोलन सफल हो गया था 1928 में, उसके बाद वहां की महिलाएं जो है वो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। सवाल न उठता हमारा बच्चा गलत करके दिखा दे, कई बार मैंने उन्हें बता चुका हूं, उनके अंदर DNA में डाल दिया हूं आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन 1946 ईस्वी के में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के एक सदस्य नहीं थे? और मैंने कई बार अपने बच्चों को बताया, जब भी नहीं रहेगा उसको अंडरलाइन कीजिएगा, उसको सर्किल कीजिएगा, उसको रेक्टेंगल बनाइएगा, ट्रेंगल बनाइएगा, लेकिन नहीं को जरूर घेरिएगा ताकि याद रहे। अब देखिए रिम्से मैकडोनाल्ड, रिम्से मैकडोनाल्ड की जो चर्चा होती है ना रियल में, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में हो रही है, ध्यान से समझिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और रिम्से मैकडोनाल्ड जो है उस टाइम जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जबकि इसका सही आंसर होगा एबी अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस और सर अस्फेन क्रिप्स, ये सही होगा, लेकिन पूछा नहीं है तो इसका सही आंसर होगा ए रिम्से मैकडोनाल्ड। सवाल ना उठता है आप गलत करके चलाएं, और गलत करके अगर आप आ जाइएगा तो फिर हमारी सुनामी रूप से आप बच नहीं पाइएगा, गारंटी है, और खास करके हमारे बच्चे जो हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, सवाल ही नहीं उठता है बच के आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन। इसके साथ साथ में दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अगर ऑप्शन के लिए तलाश कर रहे हैं तो 6 तारीख से हमारी संस्था योर सक्सेस में आपके लिए हमेशा के लिए तैयार है। आपके पैसों से मुझे कोई मतलब नहीं है, आपकी वक्त की परवाह करता है, आपकी सपनों को आपसे मिलाने की कोशिश करता है पटना का एकमात्र संस्था स्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज, जो दिनकर गोलंबर रोड नंबर 2 पेट्रोल पंप के जस्ट सामने में, आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ है? भला क्या भूल सकते हैं ये क्वेश्चन, क्या आपको लगता भी है 1931? अरे इसमें डेट दे देता सुजीत सर तब मार देते, 5 मार्च 1931, ये तो 31 दिया हुआ, फटाक से मारेंगे, सोचने की जरूरत ही नहीं है। गांधी इरविन समझौता, उसके बाद ही तो गांधी जी के साथ समझौता हुआ, तभी तो निकले बाबा लंदन, बाबा चले लंदन, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निकल पड़े कांग्रेस भी और बाबा भी दोनों मिलके, याद आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर आपके स्क्रीन पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया? ये सब पूछने वाली क्वेश्चन है, ऑप्शन देखो और 100% राइट मार दो। ऑप्शन नंबर बी 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, इसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने वाला, तो 1929 सवाल में उठता गलत हो जाए, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है, बताइए, लेकिन ध्यान रखिएगा यही आपका एग्जैक्ट आंसर है, यही आयोग आंसर भी देगा, एकदम 100% 34 के 34 में यही आंसर देगा, जो चुवार या चेर विद्रोह बोला हो सकता वहां थोड़ा सा गड़बड़ा जाए, हो सके तो वहां सबका सही कर देगा, लेकिन ऑप्शन में अगर मारे होंगे तो वहां भी आपका गाड़ी निकल जाएगा 1798। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का क्या नाम दिया था? यह सब बोलने वाली बात है, ऑप्शन नंबर डी स्वराज द्वीप, सोचने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 4 ईस्वी को पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना संबंधित चौड़ा चौड़ी, हम तो हमेशा बोलते थे अगर बीपीएससी ने इस बार गलती कुछ की, कुछ भी खता किया तो चौड़ा चौड़ी मचा कर रख देंगे, और ये चौड़ा चौड़ी वही था जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, चौड़ा चौड़ी स्थान पर, क्या ये भूल सकते हैं आप उत्तर प्रदेश? ऑप्शन नंबर बी, सवाल ही नहीं उठता सुजीत सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन आते हैं, खुद्दीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया? बोलने वाली बात है, मुजफ्फरपुर 1908 में, सवाल नहीं उठता सुजीत सर, ये सब क्वेश्चन हम गलत करके चले आए, और गलत करके आए तो कभी आपका आपके सामने अपना सकल्ला दिखाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? सोचने वाली बात है, आजाद दस्ता, ऑप्शन नंबर मारिए ना सी, भारत छोड़ो आंदोलन जेपी के नेतृत्व में आजाद दस्ता, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, अब दीजिए सॉरी क्या करें, बस आपका प्यार, आपका विश्वास, और आप इतनी मिन्नत से हमारे साथ रात रात भर इतने लोग साथ दिए, तो आज माँ सरस्वती भी आपको वरदान ही दी, आपका सिलेक्शन हो ही रहा है। बस आज की बात, एक घंटे के बाद मेंस की तैयारी में लग जाइए, लगा दीजिए जान, किसी का रिजल्ट हो या ना हो मेंस में भी झंडा गाड़ के आइएगा, झंडा गाड़ के, क्योंकि 88 में 88 हमारा बच्चा होगा, किसी दूसरे का नहीं, क्योंकि जान डाल देंगे, होगा कैसे नहीं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था?
ये थोड़ा सा अलग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जगजीवन राम। अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल जो श्रम विभाग था वो जगजीवन राम। कई बार आप पढ़े भी होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल गए? तो अगर डेट याद होगा, और मैंने बताया था 1942 5 नवंबर को निकले थे, ध्यान रखिएगा 5 नवंबर 1942 को। 42 तो याद ही है, लेकिन जब तक महीना याद नहीं होगा तब तक सवाल नहीं उठता कौन सा पर्व है। होली तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, दशहरा और दीपावली में कंफ्यूजन हो सकता है, बैसाखी तो सवाल ही नहीं उठता है। तो नवंबर है, नवंबर महीने में दीपावली आता है, ऑप्शन नंबर सी दीपावली। सवाल नहीं उठता, गलत हो जाए आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। क्लियर है, 76 को देखते हैं। तो देखिए 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, लेकिन अस्थायी रूप में, जबकि बता चुका हूं मैं। और 11 दिसंबर 2 दिन के बाद राजेंद्र बाबू को चुना गया है अस्थायी रूप में। तो ध्यान रखिएगा यहां दिसंबर का आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी दिसंबर 1946। अगर डेट देता तो मार देते डबल वन 11 दिसंबर और हो जाता सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो 77 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी अब्दुल गफ्फार खान। एक लौते ऐसे थे मुस्लिम जिन्होंने कहा था मैं नहीं चाहता हूं कि भारत का विभाजन हो। एक लौते ऐसे थे, और मैंने 100 बार बताया हूं, न जाने उससे भी ज्यादा बार है, ये कैसे कोई गलत कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी अब्दुल गफ्फार खान। 78 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन तो आप ऐसे ही घुमा दीजिएगा, सवाल न उठता सूची से गलत हो जाए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पे हुई थी? ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में ही। और जब लाश गिरा हुआ था तो यही हीरोज ने बोला था, एक लौता मर्द यहां सोई हुई है, बाकी हिंदुस्तान में कोई मर्द है भी नहीं। कई बार बोल चुका हूं आपको, 1857 की क्रांति में मैंने बता भी चुका हूं। अगर याद होगा तो आपको लगा होगा हाँ सुजीत सर मजा आ गया, नहीं तो फिर आप जो मन हो वो बोलिए। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? सोचने वाली बात है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी 16 अक्टूबर 1905 में जब विभाजन कर रहा करजन, उस समय का वायसराय है, उसी समय उन्होंने बोला था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। आइए ऐसे नहीं भी याद है तब भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सरदार उद्धम सिंह ने किसे मारा था? कई बार बताया हूं, 13 अप्रैल 1919, वो दिन कैसे भूल सकता हूं जब गुरुदेव ने नाइटहुड की उपाधि या सर की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दिया, ले अपनी नाइटहुड की उपाधि नहीं चाहिए, तूने निहत्तों पे गोली मारा है पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और उस समय जो है किचलू और सत्यपाल के लिए आंदोलन चल रहा था, उसी में अंधाधुंध जनरल डायर ने गोली चलाया था, और ये जो दृश्य था वो उधम सिंह देख रहे थे, और उन्होंने जाके लंदन में जाके सीने में गोली मार के उसने कसम खा लिया था, मैं जीवन में कुछ करूं या ना करूं जनरल डायर की सीने में गोली ना उतार दिया तो मेरा नाम भी उधम सिंह नहीं। और वो काम ने उन्होंने कर दिया, उनको बचाने के लिए सारे लोग सारे वकील लगे कि तुम बस एक्सेप्ट कर लो कि तुमने गोली नहीं मारा। बोला नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, गोली मैं नहीं मारा हूं, और मैंने कसम खाया था मैं गोली मारूंगा इसे, और मैंने मार दिया, और उसी समय उनको फांसी की सजा हो जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जनरल डायर। तो दोस्तों हमारा सफर यहीं तक था आपके साथ में, जैसे हुआ जितना हुआ जो एफर्ट लगा सकते थे हमने लगा दिया। इससे बाहर कोई भी आंसर अगर बदल रहा है तो आपके साथ मजाक कर रहा था, रियल आंसर यही होगा, आने वाला वक्त में आयोग भी यही आंसर देगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, 6 तारीख से हमारी संस्था मेंस के लिए पूरी तरीके से पूरी टीम के साथ तैयार है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर वही पुराना वाला 9334710148, बिहार के 38 में से कहीं भी किसी जिला में हो आप हमारी संस्था में आ सकते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी शहर में हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों सुविधा है, आप हमारी संस्था में जुड़ सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। चलिए दोस्तों एक चीज मैंने भूल गया आपको बताना, क्योंकि आप हमसे शिकायत करते हैं ना, सुजीत सर आपने कट ऑफ नहीं बताया, सब कुछ तो बताया लेकिन जो कट ऑफ था मेन वो चीज आपने नहीं बताया, कैसे हमें पता चलेगा कि कितना आएगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो जनरल कैटेगरी है, मैं बोल दूं आप लिखते चले जाएंगे, जनरल कैटेगरी 97 से 99, 97 से 99 यही रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ओबीसी
ओबीसी में 92 से 96, ध्यान रखिएगा 92 से 96। ईडब्ल्यूएस, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका 90 से 92 तक, एससी वाले जो होंगे उनका 85 से 90 तक जाएगा, और जो एसटी वाले हैं उनका 80 से 85 तक जाएगा। एक बार फिर से मैं कट ऑफ को रिकॉल कर दूं आपको कि अगर जनरल कैटेगरी में है आपका 99 आ रहा है तो इसका मतलब है अभी इसी वक्त वीडियो देखने के बाद मेंस में लग जाइए। ओबीसी में है तो 92 से 96, अगर 96 को क्रॉस करवा दिया है तो 100% आपको लिखना होगा मेंस, कोई नहीं रोकने वाला। ईडब्ल्यूएस है तो 92 को क्रॉस करवा दिए हैं ईडब्ल्यूएस में, तो आपको लिखना है मेंस। एससी वाले हैं 90 क्रॉस करवा दिए हैं तो इसका मतलब है कि आपको मेंस लिखना है, और एसटी वाले हैं तो 85 क्रॉस करवा दिए हैं इसका मतलब है आपको मेंस लिखना है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा सफर यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत।